नमस्कार दोस्तों, टॉक टॉक्स के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अशोक लेलैंड की कार्गो 1618 इस गाड़ी के बारे में। तो बिना कोई देर गवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अशोक लेलैंड की 1618 तो आप सभी को पता होगी, छः पहिए के यानी कि 16 टन के GVW सेगमेंट में इस गाड़ी ने धूम मचा कर रखी थी। दोस्तों, ये वही गाड़ी है, सिर्फ इसमें इतना बदलाव किया गया है कि इसमें अभी कार्गो केबिन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक फैक्ट्री बिल्ट अशोक लेलैंड का केबिन है। आइए इस वीडियो में इस गाड़ी के बारे में अधिक जानकारी पाएंगे। कार्गो 1618 में अशोक लेलैंड के भरोसेमंद 1618 का एच सीरीज इंजन इस्तेमाल किया गया है। उसी के साथ साथ इसमें नए जमाने का कार्गो स्लीपर केबिन इस्तेमाल किया गया है, जो इस गाड़ी को शानदार रोड प्रेजेंस और लुक्स देता है। आइए जानते हैं कार्गो 1618 में मिलने वाले वेरिएंट्स के बारे में। दोस्तों, इस गाड़ी में आपको काउल और केबिन विद चेसिस वेरिएंट्स अवेलेबल है, जिसमें आपको 18 फीट, 20 फीट और 24 फीट के डेक लेंथ ऑप्शंस दिए गए हैं। आप आपके एप्लीकेशन के अनुसार इनमें से एक मॉडल चूज कर सकते हैं। जानते हैं इस गाड़ी की एक शोरूम कीमत रेंज के बारे में। 1618 की एक शोरूम कीमत रेंज शुरू होती है 18,50,000 रुपये से लेकर 21,50,000 के बीच में। दोस्तों, ये एक शोरूम कीमत है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अधिक जानकारी और ऑन रोड प्राइसिंग के लिए आप आपके नज़दीकी अशोक लेलैंड के डीलर के साथ संपर्क करें। दोस्तों, आइए बात करते हैं इस गाड़ी के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में। इंजन की बात करें तो इस गाड़ी में लगा है अशोक लेलैंड का दमदार और पावरफुल एच सीरीज 5,660 cc का 6 सिलेंडर्स इनलाइन टर्बोचार्ज इंटरकूल टेक्नोलॉजी वाला डीजल BS4 इंजन। दोस्तों, ये इंजन IEGR यानी कि इंटेलिजेंट एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जिसमें आपको किसी भी प्रकार का यूरिया, एडब्लू या DEF डालने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, ये इंजन मैक्सिमम पावर देता है 180 HP की 2400 RPM पे और 660 न्यूटन मीटर का टॉर्क 1200 से 1900 के RPM पे। अशोक लेलैंड की 1618 में लगा हुआ है ZF का S636 सिक्स स्पीड मैनुअल गेयरबॉक्स 380 mm डायमीटर के सिंगल प्लेट ड्राइव फ्रिक्शन टाइप क्लच के साथ, जो इस गाड़ी को 31.4% की ग्रेडेबिलिटी यानी कि चढ़ाई लांगने की क्षमता प्रदान करता है। सस्पेंशन की बात करें तो 1618 में आगे और पीछे वाले एक्सल्स पर सेमी इलिप्टिकल मल्टी लीफ स्प्रिंग टाइप सस्पेंशन हाइड्रोलिक एवं टेलीस्कोपिक शॉक ऑब्जर्वर्स के साथ दिया गया है। इस गाड़ी में ड्यूल लाइन फुल एयर एस्कैम ब्रेक सिस्टम ABS यानी कि एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ दिए गए हैं, जो कि लोडेड गाड़ियों को रोकने के लिए भी सक्षम है। आइए बात करते हैं इस गाड़ी के वजन और आयाम यानी कि वेट्स एंड डायमेंशंस के बारे में। इस गाड़ी का GVW यानी कि ग्रॉस व्हीकल वेट है 16,200 किलो का। इस गाड़ी में आप 10 से 11 टन तक का रेटेड पेलोड ले जा सकते हैं। 1618 का ग्राउंड क्लियरेंस यानी कि गट्ठे से जमीन तक का डिस्टेंस है 255 mm का। इस गाड़ी में आपको 18 फीट, 20 फीट और 24 फीट के डेक लेंथ ऑप्शंस दिए गए हैं। इस गाड़ी में आपको 24 वोल्ट का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यानी कि 12-12 वोल्ट की दो बैटरियां कट ऑफ स्विच के साथ दी गई है। इस गाड़ी में आपको 16 प्लाई रेटिंग वाले R20 टायर्स दिए गए हैं। इस गाड़ी में आपको 240 लीटर का डीजल फ्यूल टैंक दिया गया है। आइए जानते हैं इस गाड़ी के कॉम्पिटिटर्स यानी कि प्रतिस्पर्धियों के बारे में। तो दोस्तों, अशोक लेलैंड की कार्गो 1618 मार्केट में मौजूद टाटा मोटर्स की अल्ट्रा T16, आइशर की प्रो 3016 और भारत बेंस की 1617R इन गाड़ियों के साथ मुकाबला करेगी। माइलेज एवरेज की बात करें तो एक दो ड्राइवर से की हुई बातचीत के बाद हमने पता लगाया कि ये गाड़ी उनको 5 से 6 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज देने में सक्षम थी। दोस्तों, गाड़ी का माइलेज, गाड़ी को चलाने का तरीका, गाड़ी में की हुई लोडिंग और रास्ते की कंडीशन पर निर्भर करता है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। आइए जानते हैं 1618 कार्गो के फीचर्स के बारे में। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण फीचर है कि इसमें बिना एडब्लू वाला EGR इंजन दिया गया है, जो कि रनिंग कॉस्ट को बहुत कम रखता है। उसी के साथ साथ इसमें शानदार स्लीपर केबिन, ब्लोअर्स, पावर स्टीयरिंग, डिजिटल प्लस एनालॉग स्पीडोमीटर, ग्लो बॉक्स, स्लीपर बर्थ्स, 12 वोल्ट का मोबाइल चार्जिंग सॉकेट, सन वाइजर्स, इंटीरियर लाइट्स इत्यादि दी गई है। इस गाड़ी पर आपको अशोक लेलैंड की तरफ से 4 साल या 4 लाख किलोमीटर की वारंटी दी गई है। वीडियो को एंड करने से पहले आइए जानते हैं कार्गो 1618 के एप्लीकेशंस यानी कि इसे आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में। दोस्तों, ये गाड़ी आपको केबिन विद चेसिस वेरिएंट पे अवेलेबल है, जिस पे आप HSD यानी कि हाई साइड डेक और FSD यानी कि फिक्स साइड डेक वेरिएंट बनाकर इसे आप कंटेनर्स, मार्केट लोड, ई कॉमर्स, स्टील पाइप्स, सीमेंट बैग्स, ग्रेन बैग्स, टैंकर, मिल्क टैंकर, ऑयल टैंकर इत्यादि बना सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको अशोक लेलैंड की कार्गो 1618 ये गाड़ी, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और दोस्तों, ऐसी गाड़ियों की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और इस वीडियो का लाइक बटन भी दबा दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी खूबसूरत गाड़ी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए ट्रिपल ए डायकास्ट ब्लॉग्स, ट्रक टॉक्स। बाय बाय, जय हिंद।